हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 में मोशन के बारे में। हेलो, आप आज मैं लेके आया हूँ गति का पार्ट टू, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन के नियम, न्यूटन लॉ। न्यूटन ने तीन नियम दिए थे। पहला नियम जो दिया था संरक्षण, मतलब कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, भी जड़त्व के सिद्धांत पे। इसी तरह न्यूटन ने तीसरा नियम भी दिया था। आइए जानते हैं, पढ़ते हैं न्यूटन का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहला लिखिए, इन्होंने किसमें बताया था न्यूटन ने? न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। और न्यूटन ने तीन नियम दिए थे। अब इसके, चलिए न्यूटन के पहले नियम के बारे में जानते हैं कि न्यूटन का पहला नियम क्या होता है। न्यूटन का गति का पहला नियम, प्रथम गति नियम, न्यूटन का गति का नियम लिखिए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वे विराम अवस्था में रहेगी, और यदि वे एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वे वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बहाव बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। मतलब कि अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो वे विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और अगर वस्तु मोशन में है तो उसके विपरीत में दूसरा बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो वस्तु मोशन में ही रहेगी। और प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, बहाव बल के अभाव में किसी वस्तु में अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की, मतलब कि बल, प्रथम नियम से बल की भी परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा इस प्रकार है, लिखिए, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है। इसका मात्रक, बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और जड़त्व
जड़त्व के लिए कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, एग्जाम्पल, जैसे कि ठहरी हुई, पहला एग्जाम्पल लिखिए, ठहरी हुई मोटर कार, और जैसे चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे जड़त्व का सिद्धांत के अनुसार समझा जा सकता है। अब इसी में देखेंगे कि संवेग, मोमेंटम, किसी वस्तु के, देखिए बारे में लिख, पहले आप लिख लीजिए संवेग के बारे में। न्यूटन की गति के प्रथम नियम ही में एक संवेग की डिफिनेशन है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। देखिए संवेग क्या बताया गया आपने, वेग गुणे द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अब चलते हैं हमारे न्यूटन के अगले नियम पर। देखिए न्यूटन का द्वितीय तृतीय नियम, इसके बारे में डिफिनेशन लिखिए। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान M हो तो, जैसे कि देखिए यह वस्तु है, एम द्रव्यमान वस्तु जो कि आरोपित बल जो है एफ, इसी दिशा में उत्पन्न त्वरण, जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ए, तो उससे न्यूटन की गति के नियम से समझाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से बल जो होगा एफ बराबर जो होगा एम इंटू ए। इसी देखिए और न्यूटन के दूसरे नियम से बल के व्यंजन का प्राप्त होता है। देखिए देखिए कि बल के व्यंजन व्यंजन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब चलते हैं न्यूटन के तृतीय नियम पे। देखिए न्यूटन का तृतीय नियम के बारे में लिखना चालू कीजिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगता है। मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया बल जिसमें लगता है उसे न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहते हैं। जैसे और जिसका दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, रॉकेट को उड़ाने में नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेग, अभी केंद्रीय बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे बल आघूर्ण, फिर सरल मशीन, फिर उसके अगले दिन पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल। मैं इसकी डिफिनेशन और फॉर्मूले लिखाता जा रहा हूँ, तो इसे आप लिखते चलें साथ साथ ही साथ।
अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। संवेग संरक्षण नियम यदि कोई कण किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। समझे? यदि कोई कण किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहेगा। मतलब कि देखिए इसे की देखिए ये पिंड को हमने खींचा और इसे वापस भेजा तो यह पिंड यहाँ से टकरा के ये हला पिंड दूसरी अवस्था में चला जाएगा। तो देखिए संवेग पहले टकराने के पहले और टकराने के बाद संवेग बराबर है। अब चलते हैं अगले टॉप अगले डिफिनेशन पे। इन डिफिनेशन से आरआरबी एनटीपीसी एसएससी में क्वेश्चंस बनते हैं और आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी के एग्जाम में ग्रुप डी एग्जाम में इन सब से प्रश्नों की आवृत्ति जो है मैक्स फ्रिक्वेंसी मतलब कि कितनी ज़्यादा आए हुए हैं फिक्स है। आवेग जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। मतलब कि आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कह सकते हैं और आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक जो होता है इसका मात्रक लिख लीजिए न्यूटन सेकेंड होता है। अब चलते हैं हमारे अगले अगले डिफिनेशन पे। अब केंद्रीय बल और अब केंद्रीय बल मतलब कि अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। अभी केंद्रीय बल और अब केंद्रीय बल इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्री पैडल फोर्स। इसे मैं साफ साफ लिख देता हूँ क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिख कर देता हूँ इसे
इसमें आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। अभी केंद्रीय बल इसे सेंट्री पेडल फोर्स अप केंद्रीय बल अप केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखिए अब केंद्रीय बल के बारे में। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर मतलब इस पर डिफरेंस लिख रहा हूँ उस पर एक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभी केंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई एम द्रव्यमान का पिंड वी चाल से आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभी केंद्रीय बल जो होगा एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है अर्थ और ये मान लो मून। मून जो है एक वृत्तीयकार पथ पर तब तक चलते भी चल सकता है तब जब एक कोई बल अभी केंद्रीय बल तब उसे बोल सकते हैं कि वृत्त जो होगा वृत्त के केंद्र की कार्य करता है तो उसे अभी केंद्रीय बल के देखिए जो एम मास का द्रव्यमान है एम और कितने वेग से चल रहा है वी वेग से चल रहा है और कितनी त्रिज्या है आर। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अब केंद्रीय बल मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है इसके बारे में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नहीं तो आप समझा तो मैं रहा हूँ। लिखिए इसमें लिखिए आज जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अभी केंद्रीय बल एक ऐसी ही जड़त्वीय बल या छदम बल है जिसकी दिशा अभी केंद्रीय बल के विपरीत मतलब कि इस जो बल होगा अभी केंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन आप वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा डालते हैं तो मशीन जो है स्विंग करती है तो पानी जो है अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बाहर निकल जाता है और दूसरी परिभाषा आप लिखेंगे इसमें वॉशिंग मशीन में देखिए कपड़ा कैसे सूखता है पानी जो चक्का जो जिसमें डालते हैं वो घूमता है रोटेट कर रहा है घूर्णन गति के कारण और पानी जो है बाहर निकल रहा है। और दूसरी डिफिनेशन है दूध से मक्खन निकालने की मशीन और अभी यह सब जो होते हैं अभी केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें आप नोट करके एक बात जरूर लिखिए मैं बताना चाहूँगा वृत्ति पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभी केंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटर साइकिल की ओर प्रतिक्रिया बल करता है जबकि की प्रतिक्रिया बल जो होता है मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी
कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अब केंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। समझे? अब हम पढ़ेंगे सरल मशीन, मतलब कि सिंपल मशीन के बारे में। सरल मशीन ये बल अघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, और जैसे कि आपने देखा होगा एक कैंची जो होती है कैसे कार्य करती है, और सीसॉ देखा होगा आपने कि बच्चे इधर बैठ के इसे ऊपर नीचे करते हैं, और सरुता काटने की मशीन, ये सब उत्तोलक के प्रकार हैं। देखिए इसमें देखिए लिखिए सरल मशीन में लिखिए उत्तोलक। उत्तोलक, उत्तोलक, उत्तोलक जो होता है एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक मुख्यतः तीन बिंदु होते हैं। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? तीन बिंदु होते हैं। पहला आलंब, दूसरा होता है आयास, तीसरा होता है भार। आलंब के बारे में लिखिए कि आलंब क्या होता है। इसे इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं। लिख ले, चल लिख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, फलक्रम, एफर्ट, लोड। देखिए आप पहले डिफ्रेंशियल लिखिए आलंब की, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। जैसे कि यह कैसी है, ये बिंदु, इस बिंदु पे उत्तोलक आराम से घूम सकता है, इस बिंदु को बोलते हैं आलंब। अब दूसरी देखिए आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाए जाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। देखिए बल यहां पर लगाया जा रहा है तो इसे बोलते हैं आयास। भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। देखिए उत्तोलक, जैसे कि आप कोई भी लोड को इसमें डालेंगे तो लोड यहां डालेंगे ना, तो इसे भार कहते हैं। इसी प्रकार से उत्तोलक के तीन प्रकार के होते हैं। उत्तोलक के ये तीन बिंदु हो गए। अब उत्तोलक के प्रकार देखिए, उत्तोलक के तीन प्रकार हैं, तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक और चतुर्थ श्रेणी का उत्तोलक। इसके बारे में लिखिए उत्तोलक के
प्रकार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसे जो विभाजित किया गया है प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, यह सब उत्तोलक में आलंब, आयास और भार के अलग अलग स्थान के होने के अच्छा इसे डिफाइन किया गया है। जैसे कि प्रथम श्रेणी में लिखिए, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आयास और भार के बीच में होता है। आलंब कहाँ होता है? आयास मतलब कि आलंब को मैं अब लिखता हूँ, आयास लोड मतलब कि के बीच में होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल लिखिए प्रथम में श्रेणी में, कैंची, क्लास, साइकिल का ब्रक, सीज झूला, हैंड पंप, ये सब हमारे जो होते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। और तृतीय श्रेणी में देखिए कैसा क्या होता है, इस वर्ग में उत्तोलक में आलंब तथा आयास के बीच में भार होता है। देखिए इसमें क्या होगा, आलंब और आयास के बीच में लोड होगा, तो इसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे कि सरोता, इसे एग्जांपल लिख लीजिए, सरोता, निम्बू निचोड़ने की मशीन, मशीन इत्यादि। और तृतीय श्रेणी में क्या किस प्रकार होता है मैं इस तरफ लिख देता हूँ कि नीचे आएगा नहीं। तृतीय श्रेणी में होता है आलंब भार, जो होता है आलंब भार के बीच में आयास होता है। आयास कहाँ होता है? आलंब और भार के बीच में है, तो इसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं। इसका एग्जांपल लिखिए, चिमटा, सबसे अच्छा एग्जांपल चिमटा। अब इसी तो हम जो हमारी जो सीरीज चल रही है इसी का अगला टॉपिक हम कल लेके आएंगे। हमारा जो कल टॉपिक होगा गुरुत्वाकर्षण, तो हम कल देवती के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू और अपना कमेंट ज़रूर बताएँ।